एशिया से है। आई विल टीच हर पंजाबी। तो हाँ जी, कितना सारे वेलकम बैक। तो आ गया कौन है हम लोग लेके, और साथ में पारस। दिस इज योर बॉय पारस एंड वेलकम बैक टू द पाजी दे चैनल। तो जी एक्चुअली बैंकॉक में खड़े हैं हम खौसान रोड पे, और पारस अभी अभी लैंड हुआ था, एक्चुअली बैंकॉक आया था। इन्हें फोन करके पाजी चलते हैं पार्टी करते हैं, और थका हुआ है भाई, बहुत थका हूँ मैं। एक्चुअली मैं अभी वियतनाम होके आ रहा हूँ, वियतनाम से जस्ट लैंड हुआ हूँ, तो शाम की फ्लाइट थी और अभी पहुँचा हूँ। और मैंने पाजी को मैसेज करा, मैंने कहा पाजी को बियर पिलानी है, तो आपको दिखाना भूल गए, मैं वियतनाम से स्पेशल बियर लेके आया था भाई के लिए। तो अभी शायद मैं आ गया हूँ, और माहौल चाल मैं कहा पाजी से थोड़ा सा आना बनता तो है, थोड़ा सा तो पार्टी तो बनती है। पार्टी बनती है, और उठा के ले आए, और हम पहुँचे यहाँ पे खौसान रोड, क्योंकि यार तीन दिन हम दानंग में था। मैं 3 दिन दानंग वियतनाम, आप सर्च कर सकते हो, अभी मेरे व्लॉग्स नहीं आए, बट आप जब सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और आपको बाद में दिखेंगे वो वाले व्लॉग्स। और भाई वहाँ पर नाइट लाइफ इतनी, मतलब वो है नहीं, इतनी खास है नहीं नाइट लाइफ, लोग 8 बजे सो जाते हैं वहाँ पर। 8 बजे, हाँ। तो इसलिए मैं कहा यार अब जाते ही ना पहले खौसान रोड चलते हैं, और पाजी को बुलाते हैं, थोड़ा इंजॉयमेंट तो हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, व्लॉग को करते हैं कंटिन्यू, और आपके साथ शेयर करते हैं सारा एक्सपीरियंस, और पारस का एक्सपीरियंस भी वियतनाम वाला। तो पहले चलते हैं, व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, दिखाते हैं रिसेंटली अभी अभी नाइट लाइफ का क्या माहौल है खौसान रोड के अंदर। और अभी मेरी एक फ्रेंड है, फ्रेंड को मिलना है मुझे, और वो डीजे प्ले कर रही है यहाँ पर कोई क्लब में, उसको मिलते हैं और आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। चलो आज चलते हैं। चलो चलो चलो। तो जी अपनी फ्रेंड आ गई है एना। एना एक डीजे है यहाँ पे, फ्रीलांसर। नमस्ते। नमस्ते डीजे एना, एक्चुअली पारस की फ्रेंड है, जिन्होंने हमें इन्वाइट किया था यहाँ पे। तो भाई इन्वाइट किया था बट लाइट बंद कर दी। इनवाइट करा था हमको बट मैं लेट हो गया, तो उसकी वजह से एना का सेशन नहीं देख पाए। बट एनीवेज लेट्स एक्सप्लोर समथिंग, माय सेकंड टाइम इन माय लाइफ ऑन खौसान रोड, सो लेट्स गो टुगेदर। चलो एक्चुअली क्या है, एना यहाँ पे प्ले कर दी है, लेकिन सेशन हमने मिस कर दिया, लेकिन चलते हैं एंजॉय करते हैं बाहर। चलो यो यो यो। एक्चुअली खौसान की लाइफ फिर से वैसी हुई है, और वियतनाम की बियर अभी तक चढ़ी हुई है मुझे। चलो ओके ओके, तो भाई अंदर चलते हैं। आयो आयो टेक्नो चलते हैं, टेक्नो। तो अंदर चलते हैं, एक्चुअली आना रेकमेंड कर रही है टेक्नो बार के अंदर, वहाँ चलते हैं। छतरी सब जगह, मतलब छतरी बारिश होने वाली है ना, इसलिए भाई एक्चुअली एक चीज और बता दो यार, यहाँ पे अजीब सी स्मेल आ रही है ना। एक्चुअली जब से यहाँ पे गांजा वगैरह कैनाबिस यहाँ पे लीगल हुआ है, एक्चुअली जब से यहाँ पे गांजा वगैरह कैनाबिस वगैरह लीगल हुई है, उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे काउंटर आपको देखने को मिल जाएंगे। चारों तरफ गांजे की स्मेल है। मैं वही कह रहा था, मैं कहा जब से यहाँ पे लीगल हुआ है कैनाबिस वगैरह, बहुत ही ज्यादा काउंटर देखने को मिलेंगे आपको। मेरे पीछे देख लो, इस तरफ देख लो भाई, जब मैं एयरपोर्ट एंटर हुआ था ना, गांजे की स्मेल आ रही थी, वही यहाँ पे आ रही है। तो भाई बच के कोई यूज मत करना। तो भाई मैं तो ये रेकमेंड करूंगा कि भाई इन चीजों से बच के ही रहना, इसको अवॉइड करना इन चीजों को। भाई जो नहीं पीता तो भाई मत पीना यहाँ पर, नहीं भाई दुआ करा देती है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, बहुत सारी चीजें आती है, कुकी भी आती है, खोल दिए थे मेरे, और भी बहुत सारी चीजें है। तो भाई अवॉइड करना इस चीज को, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे करने के लिए। क्या प्रोग्राम है भाई? प्रोग्राम बियर पीने का है अभी, क्योंकि बियर पीता जा रहा हूँ, और बियर पी भाई ये बिल्कुल नहीं पीती, नॉन वेज भी नहीं खाती, वेजिटेरियन है ये भाई। नॉन वेज वेजिटेरियन वेजिटेरियन
की सारी जगह घूमी हुई है और एना को अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। And, you can speak एक्चुअली एना रशिया से है और हम सोच रहे थे एना को थाई नहीं आती, लेकिन एना को थाई भी आती है भाई। कैन यू स्पीक हिंदी? चाइनीज कोरियन। चाइनीज कोरियन बट हिंदी नहीं। तो ये खोसान रोड से निकल आए हैं बाहर। एक्चुअली आना को ड्रॉप करना था, उसको ड्रॉप कर दिया और पारस थका हुआ था तो मैं कहा चलते हैं यार वापसी की तरफ, पार्टी हो गई बहुत ज़्यादा। मतलब ठीक है, यहाँ पर बंदा अगर आता है ना तो यार इन्जॉयमेंट हो जाता है बढ़िया वाला। इसके ये ऐसी ऐसा इंजॉय कहीं भी नहीं है भाई। यार थाईलैंड का इंजॉय मेरे को लगता है कहीं भी नहीं है वर्ल्ड पे। नहीं थाईलैंड का तो है ही है, सारी खोसान रोड जो है मेरे ख्याल से थाईलैंड जैसा इंजॉयमेंट कहीं नहीं है और कोई वर्ल्ड में। मेरे कहने का मतलब अभी मैं रिसेंटली होके आया वियतनाम, जैसे कि वियतनाम के बारे में बताता हूँ, थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ क्योंकि भाजी का जो ब्लॉग है वो पहले आएगा, मेरे आएंगे बाद में। तो वियतनाम में भाई मतलब नाइट लाइफ बढ़िया है। अगर आप होची मिन सिटी जा रहे हो तो होची मिन सिटी में भाई बुई विन वॉकिंग स्ट्रीट है जो कि आपको 4 बजे तक मिलती है वहाँ पर। और आपको स्कैम भी बता देता हूँ वहाँ पर क्या स्कैम होते हैं, अभी बता देता हूँ। स्कैम होते हैं भाई वहाँ पर मसाजों के, ठीक है? अच्छा जी। हाँ, और वहाँ पर बियर बड़ी सस्ती है, बियर बहुत सस्ती है। बियर आई थिंक कंबोडिया में भी सस्ती है, कंबोडिया में काफ़ी बार गया हूँ। वहाँ पर खाना महंगा है और वहाँ पर जो फेमस चीज़ें हैं वो है भाई नूडल्स, उनको बोलते हैं फो। जैसे यहाँ पर थाईलैंड के अंदर वो नूडल नहीं मिलते तो वहाँ पर मिलते हैं फो। तो अगर आप मेरे व्लॉग्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी शायद व्लॉग्स धीरे धीरे आएंगे वो आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। बट अगर आप पारस को फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे तो आपको पहले पता लग गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी भाई को मैंने बोला था मेरे साथ चलो, बट भाई बिजी बहुत है तो आज मेरे हिसाब से 1 मंथ के बाद व्लॉग शूट कर रहे हैं, वो भी मैं वापस आया हूँ। तो मैंने कहा भाई चलो बनाओ कुछ। भाई एक्चुअली सही में बहुत बिजी था और पारस के आते ही बस मैंने कैमरा उठा, मैं नहीं अभी अभी व्लॉग स्टार्ट। पता क्या है, देखो मैं तो कहता हूँ कि भाई भी दिखाते रहें क्योंकि यार काफ़ी प्यार करने वाले भाई हैं यार, जो मैसेज करते हैं कि यार व्लॉग्स डालो तो भाई डालते रहा करो यार। यार बिल्कुल मेरे को खुद को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेज वगैरह भी आए थे कि आप लोग आप भैया कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे, व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे। एक्चुअली थोड़ा सा बिजी शेड्यूल होने के कारण नहीं कर पा रहा था, लेकिन मैं खुद चाहता हूँ कि मैं आपको मतलब कि व्लॉग्स वगैरह मैं डालता रहूँ, चाहे मैं बिल्कुल महीने मतलब कि रोज़ तो नहीं डाल सकता लेकिन वैसे ही जैसे मैं पहले डाल रहा था। वीक में 2 ब्लॉग भी आ जाए बढ़िया। हाँ वीक में 2 या 3 जैसे मतलब पहले एक दिन छोड़ दो। मेरा भी सेम हाल हो चुका है, मैं वीक कई बार 10-10 दिन नहीं डालता। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्या है, क्योंकि यार मैं कर रहा होता हूँ ट्रैवल, तो ट्रैवल के दौरान भाई काफ़ी कुछ करना होता है कि क्योंकि भाई अकेले हैं हम, हमारे साथ कोई फोटोग्राफर या कोई एडिटर नहीं है, हमको शूट भी खुद करना पड़ता है, हमको भाई अपना सिनेमाटोग्राफी भी खुद करनी पड़ती है और एडिटिंग भी खुद करनी पड़ती है क्योंकि बिहाइंड द कैमरा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको व्लॉग दिख रहा है वो एक पूरा पक्की पकाई सारी मतलब सारी चीज़ मतलब क्लियर दिख रही है उसके अंदर। व्लॉगिंग आसान नहीं है भाई, व्लॉगिंग आसान नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों का अगर प्यार बना रहेगा तो ये चीज़ कंटिन्यू चलती रहेगी और कंटिन्यू ही रहेगी। सिर्फ आपके प्यार की वजह से हम कंटिन्यू कर मतलब कर पा रहे हैं और शूट कर पा रहे हैं, क्योंकि यार काफ़ी भाई प्यार करते हैं तो ये जब मिलते हैं ना लोग तो यार बड़ा मज़ा आता है कि दिल को सुकून मिलता है, तो यार ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। बाकी लव यू यार सब भाइयों को। लो जी बातें करते करते पार्किंग में भी पहुंच गए हैं, गाड़ी ये खड़ी हुई है रोड पे पार्क कर दी थी। एक्चुअली मैंने पार्किंग में नहीं करी थी, एक्चुअली ये पार्किंग नहीं है भाई, ये बनाई गई है पार्किंग। हाँ नहीं एक्चुअली यहाँ पे पार्क कर सकते हो क्योंकि पार्किंग वाला ऐसे तो अब यहाँ से एक्चुअली रोड पे भी खड़ी कर सकते हैं, जैसे लास्ट वीडियो मैंने बताया था 40 बार लगते हैं, नहीं तो आप अंदर जाके भी खड़ी कर सकते हैं। तो मैंने कहा यार हाँ पार्किंग की तो यार दिक्कत हर जगह पूरे बैंकॉक में, अगर आप कहीं जाते हैं ना तो पार्किंग की दिक्कत है, इसीलिए मैं बाइक रिकमेंड करता हूँ।
तो अब निकलते हैं यहाँ से। मेरा जूता है जापानी, नहीं मेरा थाईलैंड से जूता है। कट कट इट कट 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 अगेन। मजे में आना 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 रोवा। तो भाई अपना नेक्स्ट डे आ गए यार, रात को मार्केट वार्केट गए थे तो फिर सो गए उसके बाद। तो हमारा प्लान बन गया पाजी का और मेरा जाने का पतिया, और अभी हम पतिया जा रहे हैं कोई पार्टी शार्टी देखते हैं प्लेस। वैसे तो मैं अभी भी थका हुआ हूँ, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, बाल बाल कटवाने हैं भाई, इतने दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं लगा बाल कटवाने का। और भाई को लेके जा रहे हैं पतिया सीधा, रास्ते में मेरे को भी ले आया भाई। और एक्चुअली हम रुके हुए हैं पतिया के रेस्ट एरिए में, जो मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में दिखाया हुआ है, तो यहाँ से व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मैंने कहा पहले यहाँ से कुछ लेते चलें, क्योंकि बारिश आप जैसे देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त हो रही है थाईलैंड के अंदर इस टाइम। अभी कनिया स्टार्ट हो गई है पड़नी, मतलब बारिश होगी तेज वाली, लेकिन काफ़ी एरियाज में मैं आपको बता दूँ यहाँ पे पानी भी आया है, फ्लूड ना बहुत जगह पे आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और बैंकॉक एक्चुअली ऊँचा है एरिया, मतलब वहाँ पानी इतना नहीं था, लेकिन बाकी सारी जगह पे बहुत है पानी। तो और साथ में हमारे एना रोवा, एना आना रोवा भी जा रही है हमारे साथ पतिया। हाँ नमस्ते, रात को आपसे आपके साथ मैंने वैसे इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो ये डीजे हैं, एक्चुअली रशिया से हैं और यहाँ पे फ्रीलांसर हैं। तो हाउ पीपल कैन फॉलो यू, व्हाट्स योर इंस्टाग्राम? माय इंस्टाग्राम आना रोवा म्यूजिक, प्लीज फॉलो मी एंड सपोर्ट गाइस, आई विल अप्रिशिएट सो मच इफ यू विल लाइक माय म्यूजिक, आई विल बी सो 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 हैप्पी। तो भाई इनका जो इंस्टाग्राम है वो दे देंगे नीचे, आप सपोर्ट करो और इनका म्यूजिक सुनो कैसा है। टेक्नो प्ले करती है, टेक्नो स्पेशलिस्ट है ये। तो टेक्नो टेक हाउस मेलोडिक टेक्नो ऑर्गेनिक बहुत बढ़िया है, मतलब कि बॉलीवुड सॉन्ग विल कम, बॉलीवुड सॉन्ग यार, बॉलीवुड बॉलीवुड। तो भाई सारे फॉलो कर सकते हो, यहाँ पे नीचे आ रही होगी इंस्टाग्राम की आईडीज। तो चलते हैं पहले कुछ लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से, बारिश बहुत तेज हो गई है। चले चलो, ओके चलो 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 चलो। व्हाट यू ऑर्डर? पूरी दिमाग खोल देगी। हेलो हेलो, वेयर यू फ्रॉम? फ्रॉम इंडिया। आह इंडिया, ओके। हाउज कॉफी? ओके, या वेरी गुड। तो भाई कॉफी पास हो गई है, थैंक यू। तो भाई इस कैफ़े का नाम है रेनिटा कॉफ़ी, जो यहाँ पे रेस्ट एरिया में पड़ता है। और वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है आपको खाने के लिए, अगर आपने नॉर्मल फूड भी खाना है वो भी खा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे थाई फूड जो मतलब स्ट्रीट फूड है और जो बुफे स्टाइल है वो सारा कुछ ही मिलता है। जैसे भाई अभी नवरात्रे चल रहे हैं, तो भाई चाइनीजों में भी नवरात्रे चल रहे हैं। हाँ, और चाइनीज लोग भी नहीं भाई नॉनवेज खाते इस दिनों में। सेम जैसे इंडिया में नवरात्रे ना, ऐसे यहाँ पे भी चल रहे हैं। तो रात को भाई मुझे एक जगह पे ले गए थे नूडल खाने, और वहाँ पर बोर्ड लगे थे। मैंने भाई को पूछा ये बोर्डों का मतलब क्या है, कह रहे भाई ये चाइनीज हैं, मतलब ये दिनों में चाइनीज भी नहीं नॉनवेज खाते बिल्कुल भी। वो येलो कलर के एक्चुअली बोर्ड होते हैं, और मतलब हर जगह पे ना येलो कलर के बोर्ड यहाँ पे लग जाती है, होर्डिंग्स वगैरह। तो मतलब सारा कुछ ही यहाँ पे, उसको चे बोलते हैं यहाँ पे ना थाई में, चे मतलब सब कुछ ही वेज हो गया। आपको अगर वेज खाना तो इजीली मतलब आप खा सकते हैं यहाँ पे लेके, तो यहाँ पे मिलता है सब कुछ। मेरे को पहली बार पता चला कि चाइनीजों में भी वेज खाते हैं। हाँ, वैसे खाते तो वो कुछ छोड़ते नहीं, वो तो नहीं सब खाते हैं। तो ये अपना आ गया KFC, KFC का ऑर्डर कर दिया था, और 7-Eleven से पानी वानी, क्योंकि यार भूख बड़ी लगी थी, कुछ खाया नहीं था अभी। तो हमारे आना जी तो नॉन वेज खाते नहीं है, ये ऑलरेडी खा के आए हैं, तो अभी लंच करेंगे शायद जाके कुछ ना कुछ इंडियन खाना। तो यू लाइक इंडियन राइट? इसको इंडियन बहुत पसंद है खाना, सबको ही पसंद है भाई इंडियन एक्चुअली। अच्छा, बहुत ही अच्छा टेस्ट है। और यार एक चीज़ और आपके साथ शेयर करनी थी, जो लोग यहाँ पे थाईलैंड में ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए एक
गुड न्यूज़ है कि जो ऑन अराइवल वीज़ा पहले 15 दिन का था वो 30 दिन का हो गया, पूरा एक मंथ मिलता है आपको आने के लिए, स्टिकर वीज़े की जरूरत नहीं है। हमारे पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। नहीं, टूरिज्म को एक्चुअली प्रमोट कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले जो 15 दिन की एंट्री थी अब उसकी जगह 30 दिन की कर दी इन्होंने। और काफ़ी कंट्रीज भाई ई वीज़ा स्टार्ट कर चुके हैं हमारे, मतलब बहुत ईजिली मिल जाते हैं वीज़ा। हाँ, तो इतनी फॉर्मेलिटीज नहीं होती, पहले हमको स्टिकर वीज़े लेने पड़ते थे साउथ कोरिया के। हाँ, तो अभी क्या है कि वहाँ पर ई वीज़ा कर चुके हैं ये लोग, तो बहुत जल्द साउथ कोरिया भी जाएंगे यहाँ से। तो ये पताया पहुँच चुके हैं और पारस ने यहाँ पे स्क्विड ऑर्डर कर दिए हैं। ये 100 बाट के एक्चुअली 6 हैं। ये एक्चुअली ना पता क्या है, यहाँ पर काफ़ी तरह की स्क्विड होती है, ये मतलब इसको सुखा के रखते हैं पहले, मतलब इसको पूरा उसका पापड़ सा बना देते हैं और इसको सुखा के फिर उसके बाद ये छोटी सी इन्होंने रखी है, पट्टी रखी है ना, बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, मतलब तो यार वो कहने का मतलब बहुत बढ़िया है। खा के भी दिखा रहे हैं आपको, एक्चुअली क्या है इसमें से स्मेल बहुत आती है, जो लोग नहीं पसंद करते भाई उनके लिए नहीं, लेकिन स्मेल बहुत आती है, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, फायदे वाली चीज़ है ये। अगर आप कभी भी आप सी फूड खाते हो तो भाई इसको ट्राई जरूर करना भाई, एक एक ट्राई करते हैं। ये देखो, ये इन्होंने मीठी सॉस दी है और ये देखो, वाओ। एक्चुअली ये वाली जो स्क्विड थी ना इतनी खास नहीं थी, मतलब रबड़ सी बना दी इन्होंने। एक्चुअली इसको ना रोल करते हैं, रोल करके ना लंबी कर देते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मली मिल जाती हैं, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है मतलब आपकी बॉडी के लिए। यार एक काम करते हैं, मौसम बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, इस व्लॉग का यार यहीं पे करते हैं एंड। और आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।